सुप्रभात बच्चों, आज व्याकरण में मात्रा, आयोगवाह, व्यंजन, व्यंजन कितने भेद होते हैं, फिर संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या जानेंगे। तो मात्रा, व्यंजन के साथ जुड़े स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्रा कहते किसे हैं। तो व्यंजन के साथ जुड़े स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। मात्रा कौन कौन होते हैं? जैसे में आकार हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री ए, ऐ, ओ, अ, ये सभी मात्रा कहलाते हैं। नोट में मैंने ध्यान देने जो बात है कि र वर्ण के साथ हर्षव उ तथा दीर्घव उ की मात्राएं बीच में लगाई जाती हैं। जैसे ही र हलंत में हर्षव उ लगाएंगे तो ये छोटी उकार होंगे, जैसे में रूपया। वैसे ही र हलंत में अगर बड़ी उकार लगाएंगे यानी दीर्घव उ लगाएंगे तो वो हो जाएंगे रूठना। अब आइए अयोगवा, अनुसार एवं विसर्ग के संयुक्त रूप को अयोगवाह कहते हैं। इसमें दो तरह होते हैं, जिसमें अनुस्वार को हम बिंदु के द्वारा जानते हैं, विसर्ग को हम दो बिंदु देकर देते हैं। अब आइए उसमें व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं और यह कितने होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये कुल व्यंजन 35 होते हैं। पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कुल 35 होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन अर्थात जो छूते हुए चले, उष्म व्यंजन अर्थात जिसमें से उष्मा यानी गर्मी निकले, अंतस्थ व्यंजन अर्थात जो अंदर से निकले। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते जाए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह भी कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक यानी क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध ण प प ब भ म। उस व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से रगड़ खाने के बाद हवा में उष्मा उत्पन्न करे उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये कुल चार होते हैं, जैसे में तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तीसरा अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अंदर ठहर सी जाए यानी तो रुक जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कुल चार होते हैं, जैसे में य, र, ल, व, ये मात्र चार ही होते हैं। अब आइए गुच्छ व्यंजन, गुच्छ में होता है गुच्छा बनाना, एक के साथ एक से अधिक सटे होने, जैसे आम में एक आम के डाले में कई आम एक साथ रहते हैं, लीची जैसे सटे रहते हैं उसे गुच्छा कहते हैं। यहाँ लेकिन हम लोग पढ़ेंगे गुच्छ व्यंजन के बारे में। जब दो व्यंजन आपस में मेल होकर बने या मेल होकर एक हो जाए उसे गुच्छ व्यंजन कहते हैं, उसे गुच्छ व्यंजन
कहते हैं। यह मुख्यतः भी दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त व्यंजन, दूसरा द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कुल चार होते हैं, जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। इसमें अलग अलग दिखा दिए हैं कि अक्षर में क और हलंत, मूर्धन्य स और अ मिले होते हैं, ये तीनों मिलकर के अक्षर कहते हैं। इससे बने शब्द क्षमा, क्षति, क्षय इत्यादि। उसी तरह से त्र, त हलन, त्र हलन जोड़ अ अर्थात त्र। त्र में त्रिभुज, त्रिकोण, त्राण। ज्ञ, ज और य और अ के तीनों मेल से बने होते हैं या संयुक्त रहते हैं। इसमें तीन हुए हैं ज और य, जिसको कि हम ज्ञ कहते हैं। ज्ञ से बने शब्द ज्ञान, ज्ञानोदय, ज्ञानदा। स्र, तारा भी स और र न जोड़ अ, इसमें सभी तीन वर्ण मिले होते हैं जिसमें स्र बनते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्र में कौन कौन से होते हैं, ज्ञ में क्या होते हैं, त्र में कौन कौन व्यंजन होते हैं और अक्षर में कौन कौन व्यंजन होते हैं। तो स्र में तरह भी स, र और अ से मिलकर स्र होते हैं और स्र से बने शब्द श्रीमान, श्रम और श्रवण। द्वित्व व्यंजन, जिसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं, जब दो एक समान व्यंजनों के मेल से बने हों, जब दो एक समान व्यंजनों के मेल से बने हों तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे न हलंत न, मतलब न आधा है प्लस पूरा न है, इससे बने शब्द होते हैं खिन्न, आधा न पूरा न, भिन्न। च हलं च, बच्चा, सच्चा, कच्चा। ल हलंत ल, दिल्ली, बिल्ली इत्यादि। धन्यवाद। कितना